सरकारी विमान सेवा एयर इंडिया में सरकारी हिस्सेदारी कम करने की कोशिशों के बीच एयर इंडिया ने अपने उड़ान लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि DGCA में अर्जी दाखिल की है। एयरलाइन का उड़ान परमिट इसी साल जून में खत्म हो रहा है। एयर इंडिया के मुताबिक हाल ही में DGCA ने एयर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय हवाई शाखा एयर इंडिया एक्सप्रेस के अनुचित ऑपरेटर परमिट यानी कि ASOP का नवीनीकरण किया था। सरकार से कुछ दिन पहले साफ किया गया है कि वे एयर इंडिया में 76% तक हिस्सेदारी खत्म करने को तैयार हैं। कई देशी एयरलाइंस ने इसमें रुचि भी दिखाई है, हालांकि इंडिगो इस दौड़ में से बाहर हो गई है। इंडिगो का कहना है कि वे बिक्री की मौजूदा शर्तों पर कोई आवेदन नहीं करेगी।